हम इंसानों की मजबूरियां हैं दो। एक तो ये कि हम आमाल के जाहिर पर हुक्म लगाते हैं, हमें बातिनी तो नजर नहीं आता, हम किसी का दिल नहीं देख सकते, हमें नहीं मालूम उसकी नीयत क्या है, और किसी की नीयत पर बिला सबब शक करना, शुबा करना, इसकी हमें इजाजत नहीं। लिहाजा हम तो कह देंगे ये नेकी है, ये नेक काम नेकी का काम है। हम उसकी बातिनी जो है उसका असल पस मंजर क्या है, उसकी असल जज्बा मुहर्रका क्या, हम नहीं जान सकते। दूसरा मामला क्या है, एक ही शख्स के हम कुछ अमाल को कहते हैं ये काम तो इसने बड़े नेकी किए, ये काम इसके बड़े बुरे हैं। ये भी दर हकीकत हमारी महदूदियत है। हकीकत के एतबार से इंसानी शख्सियत जो है एक हयातियाती इकाई है। देखिए अगर आम का दरख्त है तो आम लगेगा, उसमें नींबू कैसे लग जाएगा, आम लगेगा ये नीम की निमोली कैसे लग जाएगी। अगर आप एक दरख्त में देखते हैं कि आम भी लगा हुआ निमोली भी लगी हुई है, वो कड़वी कसेली निमोली भी लगी हुई है और मीठा आम भी लगा, आप क्या कहेंगे, कैसे अनहोनी सी बात है। तो शख्सियत तो एक वहदत है, या उसके अंदर खैर है या शर है। शर है तो शर ही जाहिर होगा, चाहे उस शर ने ऊपर कोटिंग ले ली हो खैर की, बजाहिर नेकी का एक अमल कर रहा है, लेकिन उस दरख्त का उसकी जड़ से जो शर की गिजा उसे मिल रही है, उस एतबार से उस अमल के अंदर शर है, खैर नहीं है, चाहे जाहिरी एतबार से खैर नजर आ रहा। इसी तरीके से जो शख्स नेक है उसके अमल में नेकी ही नजर आएगी, बुराई नहीं होगी। अलबत्ता इसमें एक इस्तिस्ना है, जो हकीकतन नेक है, जो इस पैमाने पर पूरा उतर रहा है। वलाकिन अल-बिर्रु मन आमना बिल्लाहि वल-यौमिल आखिर वल-मलाइकति वल-किताबि वन-नबियीन इला आखिरिल आया। जो शख्स इस पर पूरा उतर रहा है उससे भी कभी वक्ती हालात के तहत, वक्ती असरात के तहत कोई गलत काम सरजद हो सकता है। यह ना समझिए कि उससे कभी भी कोई बुराई जो है उसका जहूर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। लेकिन फौरन तौबा करेगा अगर उसके अंदर नेकी है, वो किसी बदी को मुस्तकिल तौर पर अपनी जिंदगी में अपने किरदार के अंदर जगह नहीं दे सकता। इसको आप दो और दो चार की तरह जान लीजिए। वक्ती आलात है, वक्ती असरात पड़ गए हैं, या जज्बात का कोई तूफान उमड़ आया है वक्ती तौर पर, और उसमें जो है आदमी से कोई गलत सरकस रजद हो गई है। लेकिन अगर नेक है अंदर से फिल वाके फौरन तौबा करेगा, जैसे कि सूरह निसा की आयत मुबारक, इन्नम तौबत अलल्लाह लिल्लज़ीना यअमलूना सुअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीब। अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे लाजिम कर ली है ऐसे लोगों की तौबा कबूल करना कि जो गलती से या हालात के दबाव में, जहालत में, नादानी में कोई गलत काम कर बैठते हैं लेकिन फौरन तौबा करते हैं। तो ये फौरी तौबा हो, ये नहीं होगा कि बदी और नेकी का इम्तिजाज मुस्तकिल तौर पर, ये नहीं हो सकता कि एक तरफ नमाज रोजा ये सारा कुछ भी हो रहा है, दूसरी तरफ सूदी कारोबार मुस्तकिल तौर पर अपने अपने धंधे में शामिल है, ये नहीं। ये अगर है तो इसका मतलब ये है कि नेकी नहीं है।